हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी भाई। आज हमें सेक्शन नंबर 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26 सेक्शन को कंप्लीट करना है। क्लास जब तक चलेगी जब तक तीन सेक्शन कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, चलो तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 20 से। और इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो है स्पेसिफिक गुड्स। मैंने पिछली क्लास में चार्ट बना के छोड़ दिया था स्पेसिफिक गुड्स। इसके अंदर सेक्शन 20 है, सेक्शन 21 है और 22 है दोस्तों। सेक्शन 20 क्या कहता है स्पेसिफिक गुड्स के बारे में? कहता है स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरी स्टेट। क्या मतलब हुआ? स्पेसिफिक गुड्स गुड्स इन अ डिलीवरी डिलीवरेबल स्टेट। ठीक है सर, तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, क्या है ये स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट। चलो आओ एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं भाई क्या है क्या है। आओ जरा ध्यान देना ये कहने की कोशिश क्या करता है। कहता है एक मिस एक्स है, मिस एक्स एक लड़की है जो कि बायर है, और एक सेलर है मिस्टर वाई। मिस्टर वाई एक सेलर है जिसकी एक शॉप है। शॉप कौन सी शॉप है सर? क्लोथिंग शॉप है, क्लोथिंग गारमेंट, गारमेंट शॉप भी है एक ना, क्लोथिंग शॉप कपड़े वाली दुकान है, कपड़े बेचने वाली दुकान, गारमेंट शॉप, गारमेंट शॉप इसकी आवाज है। अब एक दिन मिस्टर एक्स मिस एक्स किसके पास पहुंचे? मिस्टर वाई के पास पहुंचे। मिस एक्स किसके पास पहुंची? मिस्टर वाई के पास पहुंची और मिस्टर वाई से कहा कि सर मुझे एक पर्टिकुलर ड्रेस चाहिए। ड्रेस ठीक है सर, वो कह रहे ठीक है इसने ड्रेस चाहिए। तो इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया, और कॉन्ट्रैक्ट बना कि मैं ये पर्टिकुलर ड्रेस खरीदूंगी और इसकी डिलीवरी मुझे कल करना और पेमेंट में एक हफ्ते बाद करूंगी। ऐसा इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना। क्या कॉन्ट्रैक्ट बना दे ध्यान सुनना, कॉन्ट्रैक्ट बना इनके बीच में कि मैं ब्रॉट अ ड्रेस ब्रॉट अ ड्रेस ब्रॉट अ ड्रेस ड्रेस खरीदेगी ठीक है। डिलीवरी डिलीवरी नेक्स्ट दिन पे होगी। मतलब आज मैंने आपसे एक ड्रेस खरीद ली है, कल मैं ये ड्रेस लेने आऊंगी, ऐसा मिस एक्स कहती है, और पेमेंट में एक हफ्ते बाद करूंगी। पेमेंट आफ्टर 1 वीक, पेमेंट आफ्टर 1 वीक, पेमेंट में एक हफ्ते बाद करूंगी। तो मिस एक्स मिस्टर वाई की दुकान पे गई, गारमेंट शॉप पे, और ब्रॉट करा एक ड्रेस खरीदी। और ड्रेस खरीद कर ये बोला कि भाई ये ड्रेस मैं कल लेने आऊंगी, और खरीद ली है मतलब कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है पर प्राइस और गुड्स अभी डिलीवर नहीं हुए। मतलब प्राइस का पेमेंट नहीं हुआ और गुड्स अभी तक डिलीवर नहीं हुए। अब क्या हुआ, अगले दिन जब मिस एक्स मिस्टर वाई की दुकान पे पहुंची ड्रेस लेने अपनी, क्योंकि कहा था कि भाई आज मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूं कि भैया ये पर्टिकुलर ड्रेस मिले रख देना, मैं ये लूंगी और मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, कल मैं लेने आऊंगी, एक हफ्ते के बाद मैं आपको पैसा दे दूंगी, आपकी मेरी जान पहचान अच्छी है, मैं यहीं से ले आती हूँ सारे कपड़े। एक ही डायलॉग होता है जब भी हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं और उसे बोलते हैं भैया यहीं से तो ले जाते हैं, अब इतना भी कम नहीं करोगे आप, ऐसे होता है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, ड्रेस खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। इसके बाद डिलीवरी नेक्स्ट डे पे होगी। वो कह रही है लड़की कि मैं अगले दिन ले जाऊंगी और पेमेंट एक हफ्ते के बाद करूंगी। अब अगले दिन जब मिस एक्स नेक्स्ट डे जब मिस एक्स पहुंची कहां पर? मिस्टर वाई की दुकान पर। तो मिस्टर वाई की दुकान पे आग लग गई, उसके पहुंचने से नहीं उससे पहले लग गई। और मिस्टर वाई की दुकान पे आग लगने की वजह से जो ड्रेस उसने खरीदी थी ब्रॉड ड्रेस,
ब्रॉड ड्रेस डिस्ट्रॉय, ब्रॉड ड्रेस क्या हो गई भाई, डिस्ट्रॉय हो गई, आग लगने की वजह से खत्म। अब मुझे बताओ, आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या अब मिस एक्स मिस्टर वाई को पेमेंट करेगी या नहीं करेगी, बताइए क्या हुआ, कहानी समझ में आई आपको? मैंने कहा कि भाई मिस एक्स और मिस्टर वाई, बायर ने सेलर से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बायर ने कहा कि भाई ये पर्टिकुलर ड्रेस अब मेरी है, मैं ये पर्टिकुलर ड्रेस है, हाँ इसको मैं कल लेने आऊंगी और पेमेंट एक हफ्ते के बाद कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं? कह रहा कोई दिक्कत नहीं, पेमेंट की कोई दिक्कत नहीं, पेमेंट कर देना, ड्रेस आपकी हो गई आज के बाद से, आप अभी ले जाओ। दुकानदार क्या कह रहा है, आप अभी ले जाओ, पैसे एक हफ्ते बाद दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पे भरोसा है। उन्होंने कहा भैया अभी तो मैं कहीं जा रही हूं, तो कल मैं आते वक्त आऊंगी तो यहीं से ले चले जाऊंगी। उन्होंने ठीक है। अब दोस्तों ध्यान समझना, दुकान पे लग गई आग और वो ड्रेस जो उसने खरीदी थी वो जल गई। अब मुझे बताओ क्या वो लड़की उस दुकानदार को पैसे देगी या नहीं देगी, उसको पैसे देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, बताओ सर कैसे कैसे देगा, जब ड्रेस ही नहीं मिली तो पैसे किस बात के। तो हमने कहा नहीं दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट एक बार बना लिया, सेक्शन 20 क्या कहता है, मैं आपको बहुत अच्छे समझा रहा हूं, सेक्शन 20 कहता है एक बार अगर कॉन्ट्रैक्ट बन गया किसी स्पेसिफिक गुड्स का, अब मतलब बताए एक पर्टिकुलर ड्रेस जो भी उसने ड्रेस खरीदी, अब वो ड्रेस क्या होंगे दोस्तों, वो ड्रेस ये क्या बना दिया मैंने, एक पर्टिकुलर ड्रेस जो उसने खरीदी है, मान लो टॉप वगैरह खरीदा है कोई, मान लो ये टॉप है, टॉप अब जो भी होता है यार, तो एक ड्रेस उसने पर्टिकुलर खरीदी, अब पर्टिकुलर ड्रेस खरीदने के बाद उसकी गलती है वो लेके नहीं गई भाई, अब वो तो कह ही रहा था दुकानदार कि भाई लेके चले जाओ, अगर कॉन्ट्रैक्ट बन गया है तो आपके अपने सामान ले जाना चाहिए, पैसे देने के लिए आप नहीं करोगे भाई, वो आपकी गलती है कि आप वो दुकान से नहीं लेके गए। मैं एक दुकान से एक लैपटॉप खरीदने गया, ठीक, मैंने कहा भैया ये लैपटॉप मैंने खरीद लिया है, मैं एक हफ्ते बाद आपको पेमेंट करूंगा, खरीद लिया अभी मेरा हो गया लैपटॉप। उसने कहा ठीक है भाई, उसने कहा ले जाओ, उसने ले जा रहा है तो कह रहा कि भैया मैं इसको कल ले जाऊंगा, और वो लैपटॉप चोरी हो गया अगले दिन, तो अगर वो लैपटॉप चोरी हो गया तो लैपटॉप तो भैया कॉन्ट्रैक्ट बन गया था ना लैपटॉप का, समझे आप दोस्तों, आप समझने की कोशिश करें कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कॉन्ट्रैक्ट कर चुका हूं तो वो पर्टिकुलर पर्सन जो सेलर है वो ये प्रोडक्ट को नहीं बेचेगा आगे, वो क्योंकि वो खरीद चुका हूं, मैं इससे खरीद चुका हूं, मैं आपकी दुकान पर आया मैंने आपसे खरीद लिया, आप अपने में बीतेगी ना तब पता चलेगा आपको। देखो आप, मैं आपकी दुकान पर आया, आपसे मैंने कहा भैया मेरे को एक शर्ट का कपड़ा और एक पैंट का कपड़ा दे दीजिए, आपने कहा ठीक है, मैंने कहा ये लो जी, मैंने कहा भैया ऐसा करते हैं आपकी जान पहचान है, आपके लड़के को मैं पढ़ाता हूँ या लड़की को मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं आपको एक एक हफ्ते बाद दे दूं पैसा, कोई दिक्कत तो नहीं है? आपने कहा ठीक है कोई बात नहीं सर, आप पे भरोसा है। मैंने कहा ठीक है चलो। अब आपने, मैंने कहा सर ये दुकान, ये जो पर्टिकुलर ड्रेस मैंने जो खरीदी है, मैंने खरीद लिया, आपने पैक करके दे दी, आप दे रहे थे मुझे, मैंने कहा अंकल ये, मैंने कहा भाई मैं इसको ना आपको कल ले जाता हूँ, ये शाम को ले जाता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, उसने आपको पन्नी में पैक करके आपको दे रहा था, आपने मना कर दिया, मतलब आपने मुझे दे रहे थे मैंने मना कर दिया, मैंने कहा सर मैं आपको शाम को ले जाता हूँ उसको। अब वो पर्टिकुलर ड्रेस वो किसी कारण वो जल गई या दुकान पर आग लग गई या किसी कारण चोरी हो गई या कुछ भी हो गया जिससे वो खत्म हो गई। अब इस केस के अंदर मैं जब दुकान पे गया तो मैंने कहा सर वो ड्रेस दे दो, कह रहा वो तो भाई चोरी हो गई, आप लेके नहीं गए, आप हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, या फिर वो दुकान जल गई थी, जलने की वजह से वो भी चल गई, अब आप हमें पैसे दे दीजिए। उन्होंने कहा, मैंने कहा भैया मैं क्यों दूं पैसे, जब मैं ड्रेस आई नहीं तो पैसे क्यों दूं? आपने कहा भाई, आपने कहा कि भैया ऐसा कोई चक्कर नहीं है, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं हमारे साथ, आपकी गलती, हम तो ड्रेस दे रहे थे आप ही ले गए, इसका मतलब पोजीशन हमारे इसमें मतलब नहीं, आपकी ऑनरशिप हमने ट्रांसफर कर दी थी आपके, अब रिस्क और रिवॉर्ड भी ट्रांसफर हो गया, सेल होगी ना तो ऑनरशिप के साथ रिस्क और रिवॉर्ड भी ट्रांसफर हुआ, अगर रिस्क और रिवॉर्ड भी ट्रांसफर हो तो आपके पास जो भी रिस्क होगा वो आपका, रिवॉर्ड होगा वो आपका, अब रिस्क हो गया तो आपका हो गया, अब लॉस हो तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट डे पर अगर मिस्टर एक्स मना करती है पैसे देने से, मिस्टर एक्स, मिस एक्स सॉरी, मिस एक्स डिनाई डिनाई टू पे, मिस एक्स डिनाई टू पे, तो भैया इस केस में केस कर दिया, कोर्ट का जजमेंट क्या आया बताएं आपको, कोर्ट का जजमेंट आया यहां पर, केस कर दिया भाई मिस्टर सेलर ने, भाई ऐसे तो ना कॉन्ट्रैक्ट तो मैं हो गया था ना, और जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया था तो वो पर्टिकुलर ड्रेस मैंने आपके नाम कर दी थी, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, अब पोजेशन आपने लिया यार तो मेरी गलती थोड़ी ना है, ओनरशिप के साथ रिस्क और रिवॉर्ड भी ट्रांसफर हो जाता है, ये हमने डिफरेंस में सीखा था सेल और एग्रीमेंट टू सेल के अंदर, ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब सेलर इस रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पहले ही तो उसकी दुकान पर रखकर जा रहा है, अब आप मेरे दुकान पर आए, आपने कहा यार मैं खरीद कर आया हूं कहीं से, रख लियो, मैंने कहा ठीक है रख दे, अब वो पर्टिकुलर मान लो आप एक 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 शीशा लेकर आए आप मिरर,
मेरे आप लेकर आपने कहा भाई यार मैं अभी आ रहा हूँ ये दुकान पे रख लो, मैंने कहा ठीक है रख ले, वहां रख के गए, वो टूट गिर गया, टूट गया, अब रिस्क किसका? आपका। रिवॉर्ड किसका? आपका। अगर फायदा होता तो आपका होता, रिस्क हो गया तो आपका होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और वो पर्टिकुलर पर्सन उस जगह से पोजेशन नहीं लेता गुड्स का और पेमेंट भी नहीं करता, तो बाद में वो डिनाई नहीं कर सकता, तो इसका मतलब मिस एक्स को पेमेंट करनी पड़ेगी, मिस एक्स को पेमेंट करनी होगी, पेमेंट करनी होगी, तो मिस एक्स को पेमेंट करनी होगी। दोस्तों कोर्ट का जजमेंट ये था, कोर्ट का जजमेंट ये था कि सिंपल लॉजिक है कि अगर ऑनरशिप ट्रांसफर हुआ, कॉन्ट्रैक्ट बनते ही ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाता है, और ऑनरशिप अगर ट्रांसफर हुआ तो आपकी गलती, आपको पोजीशन भी ले लेना चाहिए था, आपने छोड़ा क्यों दुकान के अंदर। अगर ऑनरशिप ट्रांसफर हो गया तो रिक्स भी ट्रांसफर हो जाता है दोस्तों इस केस के अंदर, अगर उसकी दुकान पर आपने छोड़ा पोजीशन को, वहां रखा शर्ट को, कोई भी चीज वहां रखी और वो कुछ हो जाता है उसको, तो वो रिक्स आपका होगा, उस दुकानदार का नहीं, उसने तो बेच दिया, अब आप ले जाओ या नहीं ले जाओ उसकी मत तो ना। आ रहा समझ में नहीं आ रहा? तो दैट कॉल सेक्शन 20 जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरीबल स्टेट, मतलब अभी डिलीवरी हुई नहीं है, डिलीवरी होनी बाकी है, तो डिलीवरी होनी बाकी थी उससे पहले चल गई इस केस के अंदर, अब मिस्टर एक्स को उसको पेमेंट करनी होगी दोस्तों। ठीक है, क्लियर है आपको? समझ में आता है? हाँ जी सर, समझ में आ गया, बहुत अच्छा समझा दिया। आओ जरा सामने देखो, सामने देखो दोस्तों, सेक्शन 20 स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट, क्या मतलब? इट स्टेट दैट, ये बताता है ये पर्टिकुलर सेक्शन क्या कहता है, इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज अनकंडीशनल फॉर द सेल ऑफ अ स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो अनकंडीशनल है। अब यहां पर ये नहीं कहा था, यहां पर सेलर नहीं कहा था कि भैया कल आकर ले लेना, यहां पर बायर ने अपनी मर्जी से वो छोड़ा था, कंडीशन नहीं रखी सेलर ने कोई, बायर ने कहा भैया मैं कल आकर ले जाऊंगी, ओके ओके तो ओके हो गया, भूल जाओ अब। देन द प्रॉपर्टी इन अ गुड्स पास टू द बायर द मोमेंट द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, प्रॉपर्टी ऑफ द गुड्स का मतलब क्या बताया था बताओ? ऑनरशिप ऑफ गुड्स। अगर मैंने कहा जिस टाइम पर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है उसी टाइम पे क्या हो जाता है, उसी मोमेंट पे जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट बना उसी मोमेंट पे उस गुड्स की ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी जाती है बायर पे। द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट बनता है उस टाइम गुड्स की प्रॉपर्टी मीन्स ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी जाती है। दिस रूल होल्ड ट्रू इवन इफ द टाइम ऑफ द पेमेंट ऑफ द प्राइस और डिलीवरी ऑफ द गुड्स और बोथ इज पोस्टपोन, अगर टाइम पेमेंट का टाइम, पेमेंट करने का टाइम या फिर गुड्स की डिलीवरी का टाइम बायर की वजह से अगर पोस्टपोन हो रहा है तो उस केस के अंदर जो भी रिस्क होगा वो बायर का माना जाएगा, सेलर का नहीं माना जाएगा। सेक्शन 20 समझ में आया नहीं आया? सेक्शन 20 समझ में आया सर? आ गया। तो अगर आप ध्यान दो तो हमने खत्म कहां करा था, हमने खत्म करा था कि अगर सेक्शन 3 क्या कहता था, अगर कॉन्ट्रैक्ट में यह ना बताया गया हो कि डिलीवरी कब करनी है या पेमेंट कब करनी है और उस केस के अंदर तो किस टाइम हमें पेमेंट करनी चाहिए या किस क्या रूल कहते हैं ये बता था, तो हमने कहा देखो अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बोला था, जो यहां पर तो क्या बोला है, यहां पर क्या कहा कि भाई डिलीवरी में ले जाऊंगी, अगर वर्ड नेक्स्ट डे ना होकर क्या होता, मैं ले जाऊंगी भैया एक दो दिन में, तो वो अपने आप ले जाएगी फिर आकर। ठीक, अगर नेक्स्ट डे नहीं होता यहां पर और एक दो दिन होता वो अपने आप ले जाएगी, अगर नेक्स्ट डे हो भी गया तो अगले दिन ले जाएगी। अब इस केस के अंदर आप ये समझे कि स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरी स्टेट क्या कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया है तो ऑनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, भले ही आपने डिलीवरी को पोस्टपोन कर दिया, हमें मतलब नहीं, बायर की वजह से अगर डिलीवरी या पेमेंट पोस्टपोन हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसी टाइम ऑनरशिप ट्रांसफर कर दो। तो एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर बायर की वजह से डिलीवरी पोस्टपोन हुई, हम तो उसी दिन कर रहे थे, आपने पोस्टपोन कर दिया, तो उस केस के अंदर हम ऑनरशिप कब मानेंगे, जिस दिन डिलीवरी होगी उस दिन या जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट बना उस दिन? सर डिलीवरी ऑनरशिप कब ट्रांसफर होगी, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट। हम क्या सीख रहे हैं दोस्तों, चैप्टर का नाम क्या है, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, किस पर्टिकुलर टाइम पे हमें ऑनरशिप ट्रांसफर कर देनी चाहिए। अगर आपने और मैंने कॉन्ट्रैक्ट करा किसी स्पेसिफिक गुड्स का, ठीक, और मैं उस टाइम डिलीवरी कर रहा था, आपने डिलीवरी करने का पोस्टपोन कर दिया, पेमेंट पोस्टपोन कर दी, अब उस केस के अंदर जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट बना उस दिन ऑनरशिप ट्रांसफर हो जानी चाहिए, जिस दिन डिलीवरी उस दिन नहीं। हम सीख रहे ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप कब होनी चाहिए, किस टाइम पे ऑनरशिप को ट्रांसफर करना चाहिए, याद करो पहली क्लास पिछली क्लास, किस टाइम पे ऑनरशिप को ट्रांसफर करना चाहिए बताओ। अगर डिलीवरी बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से पोस्टपोन कर दी जाए या पेमेंट पोस्टपोन कर दी जाए तो उस केस के अंदर जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसी दिन ऑनरशिप ट्रांसफर जाती है, अब तू लेकर जा या नहीं जा हमें फर्क नहीं पड़ता, हमने तो ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी, अगर ये कुछ हो जाता है इसको तो वो तेरा लॉस हमारा नहीं, हमें तो पैसे चाहिए हमारे। आया समझ में नहीं आया? सेक्शन 20 स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरी स्टेट, बहुत डिटेल में करा रहा हूं दोस्तों, ठीक है आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। ये वाला केस मैंने आपको बताया था, और सेक्शन 21 स्पेसिफिक गुड टू बी पुट इन अ डिलीवरी स्टेट, टू बी पुट इन अ डिलीवरी इन टू अ डिलीवरी स्टेट, क्या मतलब बताओ? सेक्शन 20 क्या कहता है, 21 क्या कहता है? स्पेसिफिक गुड्स इज पुट इन टू अ डिलीवरी स्टेट, इसका मतलब क्या हुआ? सेक्शन 21 हैंड डालेंगे, वो लिखना है आपको, वो लिखने के बाद जैसे मैंने पिछली बार को समझाया था उसके बाद यहां एग्जाम्पल आपको लिखना है, ठीक है? एग्जाम्पल आपको नोट करना है, पहले वो लिख लेना नोटिंग, फिर एग्जाम्पल नोट करना। स्पेसिफिक गुड्स पुट इनटू, नहीं स्पेसिफिक टू बी पुट इनटू, टू बी पुट इनटू डिलीवरेबल स्टेट, डिलीवरेबल स्टेट मतलब अगर कोई गुड्स, एक हिंदी एक एक लाइन में समझाऊं तो अगर मैं उसका मतलब क्या है, अगर कोई गुड्स अभी डिलीवरी स्टेट में नहीं है तो जब वो डिलीवरी स्टेट में हो जाए तब ऑनरशिप ट्रांसफर करना। हम मैं फिर कहने की कोशिश कर रहा हूं, हम पढ़ क्या रहे हैं सेक्शन 21 नहीं, हम पढ़ रहे हैं कि कब हमें ऑनरशिप किस टाइम पर ट्रांसफर करनी चाहिए। सेक्शन 21 क्या कहता है? जब वो डिलीवरी स्टेट में बनने को तैयार हो जाए। सर ये डिलीवरी स्टेट में बनने को क्या मतलब है, मैंने कहा समझाते हैं, चलो आओ। तो मैंने कहा मान लेते हैं मिस्टर ए, मिस्टर ए, लो मिस्टर ए नहीं एक नया नाम लेते हैं, मिस्टर पीटर। मिस्टर पीटर भाई एक दिन एक दुकान पे गए मिस्टर जॉन की, मिस्टर पीटर मिस्टर जॉन की शॉप पे गए। मिस्टर जॉन की जो शॉप थी वो कंप्यूटर शॉप थी, कौन सी शॉप थी दोस्त? कंप्यूटर शॉप थी। अब मिस्टर पीटर ने कहा वांट टू बाय अ लैपटॉप, वांट टू बाय अ लैपटॉप, मैं लैपटॉप बाय करना चाहता हूं, ऐसा मिस्टर पीटर ने मिस्टर जॉन को कहा। मिस्टर जॉन ने बहुत सारे लैपटॉप दिखाए। अब मिस्टर पीटर ने कहा देखो सर मेरी कंडीशन है कि आपको डिलीवरी मेरे घर पे करनी होगी, और जो भी इसने एक लैपटॉप सेलेक्ट करा, मान लो लैपटॉप सेलेक्टेड, लैपटॉप सेलेक्टेड, इसने लैपटॉप सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद कंडीशन ये रखी कि एक तो होम डिलीवरी करनी होगी आपको, मेरे घर पहुंचाना होगा, मैं अभी जा रहा, मेरे को कहीं और जाना है तो होम डिलीवरी करनी पड़ेगी। दूसरा इसने होम डिलीवरी करनी होगी, दूसरा इसने क्या बोला भाई, दूसरा इसने कहा कि सर आप इसमें विंडो डाल कर दोगे, विंडो डाल कर दोगे। तीसरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी डाल कर दोगे। ठीक है, और क्या बोला इसने, और सर आप इसमें एंटीवायरस भी डाल कर दोगे, एंटीवायरस भी डाल कर दोगे। अच्छा भाई, तो भैया बताओ कि जिस दिन उसने गुड्स, अब भाई कॉन्ट्रैक्ट किस दिन हुआ, मान लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट इसने कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मान लेते क्या करा इसने, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई मुझे खरीदना है, इसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसके साथ, इसने जॉन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई मैं लैपटॉप खरीद लिया है, आप ये डालकर दे देना, मुझे मेरे घर पहुंचा देना। अब मुझे बताओ कि किस दिन ऑनरशिप ट्रांसफर होगी, जिस दिन लैपटॉप खरीदा, या जिस दिन वो लैपटॉप में ये सारी चीज डालकर उसके घर पहुंचाने जाएगा, जिस दिन, अब बताओ ऑनरशिप किस दिन ट्रांसफर होगी। तो सेक्शन 21 कहता है भैया सेल इस बार कॉन्ट्रैक्ट करने पे डिलीवर ऑनरशिप ट्रांसफर मत करना, जब तक वो लैपटॉप डिलीवरी स्टेट पे ना पहुंच जाए, डिलीवरी मतलब जब तक वो लैपटॉप इस तरीके से नहीं बन जाए, पूरा कंप्लीट ना हो जाए, जिसमें वो जितना उसने डालने को बोला है, विंडो ना डल जाए या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ना डल जाए या एंटीवायरस, जब तक ये तीनों चीज नहीं डल जाएगी तब तक वो डिलीवरी कर ही नहीं पाएगा। मतलब डिलीवरी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये तीनों चीज डालनी पड़ेगी। तो डिलीवरी स्टेट पे कब पहुंचेगा, जब ये तीनों चीज वहां पर डालनी पड़ेगी, मतलब विंडो डालनी पड़ेगी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डालना पड़ेगा, और आपके पास क्या डालना पड़ेगा, एंटीवायरस। तो मतलब जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट करा उस दिन तो ये तीन चीज थी नहीं, क्या ये डिलीवरी होती, ये नहीं होती। तो मतलब डिलीवरी कब होगी, कब डिलीवरी के लिए तैयार होगा, जिस दिन ये तीनों चीज डल जाएगी। तो बस, तो जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट करा उस दिन ऑनरशिप ट्रांसफर मत करना, कब करना, जिस दिन ये पर्टिकुलर लैपटॉप डिलीवरी होने के लिए तैयार हो जाए उस दिन ऑनरशिप ट्रांसफर करना। तो ऑनरशिप कब ट्रांसफर होगी, ऑनरशिप ट्रांसफर उस दिन होगी जिस दिन गुड्स
डिलीवरी के लिए तैयार हो जाए लैपटॉप, जिस दिन लैपटॉप डिलीवरी के लिए तैयार हो जाए। क्या कॉन्ट्रैक्ट, मान लो आज कॉन्ट्रैक्ट कराया, इसने कहा भाई मुझे कम से कम 2 दिन चाहिए इसमें सब कुछ डालने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए, तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट करा मान लो 1 जनवरी को, और ये कंप्लीट हुआ कब, ये कंप्लीट हुआ कब, 3 जनवरी को, तो 3 जनवरी को ऑनरशिप ट्रांसफर होगी। इससे पहले अगर लैपटॉप में कुछ हो गया तो सिर्फ किसका लॉस, सेलर का लॉस। और 3 जनवरी को जब ये डिलीवरी के लिए स्टेट हो गया, डिलीवरी हो गई, अब डिलीवर हो रही है, कॉल करेगा भाई आपके पास ये जल चुका है आप आकर ले जाइए, बस उस दिन ही ऑनरशिप ट्रांसफर होगी जिस दिन से बता दिया। मतलब अगर मैं बायर हूं आप सेलर हो, जब तक आपने तीनों चीज नहीं डाली तो लॉस आपका, आपके भी ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हो। और जैसे आपने 3 चीज डाल दी और मुझे बता दिया कि भाई ये हो चुका है हम डिलीवर कर रहे हैं, बताओ कब करे, अगर वो पोस्टपोन करता है तो सेक्शन 25 द्वारा अप्लाई हो जाएगा, पोस्टपोन करेगा तो फिर जिस दिन उसने फोन करके बोल दिया कि भाई हम देखो हमने डाल दिया है, बताओ आप कब डिलीवरी करें आपके घर पे, कब आप होंगे अवेलेबल घर के अंदर, उसने कहा भाई आज कर दो, ठीक आज कर देंगे, कल बोलेगा पोस्टपोन करता जाएगा तो सेक्शन 20 अप्लाई होता चले जाएगा, भाई पोस्टपोन करने से नहीं, जिस दिन फोन कर दिया उसी दिन ऑनरशिप ट्रांसफर होगी, अब ले जा भाई या हम छोड़ देते हैं, जैसे भेज दिया बस हो गया। इस केस के अंदर क्या बोला, ऑनरशिप ट्रांसफर उस दिन होगी जिस दिन वो पर्टिकुलर लैपटॉप डिलीवर होने के लिए पूरा तैयार हो जाएगा। आया समझ में, सेक्शन 21 क्या कहता है ध्यान देना, स्पेसिफिक गुड्स, मतलब सिलेक्टेड गुड्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक मतलब लैपटॉप सेलेक्ट कर लिया, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक, है ना, टू बी पुट इनटू डिलीवरी स्टेट, उसको ऑनरशिप ट्रस्ट ट्रांसफर करी जाएगी जिस दिन जो स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरी स्टेट में वो तैयार हो जाए, 3 जनवरी को इंस्टॉल हो जाएगा सब कुछ, तब वो डिलीवरी स्टेट में, तब ऑनरशिप ट्रांसफर होगी, 1 जनवरी को जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट बना उस दिन नहीं होगी, इस दिन ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं की जाएगी। क्लियर है या नहीं है? आओ दोस्तों सेक्शन आपके पास 21 क्या कहता है, इमेजिन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ सेल ऑफ गुड्स वेयर द सेलर हैज टू डू समथिंग बिफोर द गुड्स आर रेडी फॉर डिलीवरी, डिलीवरी करने से पहले सेलर को उसमें कुछ करना है, समथिंग डू समथिंग, सेलर हैज टू डू समथिंग, कुछ गुड्स में कुछ अभी इंस्टॉल वगैरह कुछ चीज करनी हो है। इस वजह से जैसे कि भाई उसने सेलेक्ट करा, उसने कहा भाई पैकिंग करनी रहेगी, पैकिंग करके देंगे आपको, तो पैकिंग करने में 1 दिन चाहिए हमें, बहुत सारे गुड्स खरीदे, मान लो 100 टीवी खरीदे, 100 टीवी को पैक करने में 1 दिन चाहिए, तो इसका मतलब पैकिंग करना ये सब करना, तो मतलब अगर कोई ऐसे गुड्स आप बेच रहे हो, अगर कोई सेलर ऐसा गुड्स बेच रहा है जो बेचने से पहले डिलीवर करने से पहले सेलर को उसमें कुछ काम करना होगा, इमेजिन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ सेल ऑफ गुड्स वेयर द सेलर हैज टू डू समथिंग बिफोर द गुड्स आर रेडी फॉर डिलीवरी, डिलीवरी के लिए रेडी होने से पहले सेलर को कुछ करना पड़ेगा तभी वो डिलीवरी के लिए रेडी होंगे। इन सच केस द पासिंग ऑफ द प्रॉपर्टी मीन्स पासिंग ऑफ ओनरशिप हैपन ओनली, तभी वो पासिंग हो पाएगी प्रॉपर्टी आफ्टर द सेलर डज थिंग एंड इन्फॉर्म द बायर, जिस दिन सेलर वो काम कर दे और करने के बाद बायर को इन्फॉर्म करते, तो मान लो सेलर ने इंस्टॉल कर दी विंडो और विंडो इंस्टॉल करने के बाद बायर को बता दिया अब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी, मतलब ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, तो कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी अगर वो डिलीवरी स्टेट में नहीं है, डिलीवरी स्टेट में होने के बाद प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। एक एक चीज डिटेल में हो रही है, क्यों, पेपर में ढंग से करना है आपको, एमसीक्यू में कुछ भी बना सकता है। क्लियर है या नहीं है? यस सर। तो यहां पर मैंने आपको सेक्शन 21 भी डिस्कस कर लिया है, इसको लिखने के बाद अगर आप ये वाला एग्जांपल लिखना चाहते हो, ये एग्जांपल को मैंने फॉर्मेट वाइज लिखा है, ये लिखना चाहते हो ये लिख लो, अगर ये लिखना चाहते हो ये वाला एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल ये वाला लिख लेना, ये वाला ठीक है, ये एग्जांपल लिख लेना आपको अच्छा लगेगा ना, क्योंकि मैं समझाया यही है, तो क्या इसको क्लियर है या नहीं है? यस सर क्लियर है। आओ सेक्शन 22 पे चलते हैं, स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरी स्टेट वेयर द सेलर हैज टू डू समथिंग देयर टू इन ऑर्डर टू असर्टेन प्राइस। ओहो इतना बड़ा, ठीक है ध्यान देते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, दो कॉन्सेप्ट समझ में आया, सेक्शन 20 और 21, सेक्शन 20 क्या कहता है समझ में आया, सेक्शन 21 क्या कहता है वो भी क्लियर है, सेक्शन 22 क्या कहता है वो ध्यान देना है आपको। लो दोस्तों पढ़ते हैं इसको, यहीं पर समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो दो जब समझ में आ गए तो ये आपको आसानी समझ में आ जाएगा। कहता है इमेजिन करो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स विच आर इन अ डिलीवरी स्टेट बट द सेलर हैज टू डू समथिंग लाइक वेट मेजर टेस्ट और परफॉर्म एनी अदर एक्ट ऑन द गुड्स टू असर्टेन द प्राइस। हिंदी में समझाता हूं मैं, मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट है,
मैं बायर हूं, आप सेलर हो, मैंने आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करा कि आप मुझे पर्टिकुलर गुड्स मुझे डिलीवर करोगे। आपने कहा सर ये गुड्स का डिलीवर करूंगा तो सही, पर इसका प्राइस अभी असर्टेन करना है, और प्राइस असर्टेन करने के लिए मुझे इसका वेट मारना पड़ेगा। अब आप कोई दुकान पर जाते हो और दुकान से मान लो आप 1 किलो चीनी खरीद के लाते हो, तो 1 किलो चीनी खरीदने के लिए जब दुकानदार वाला चीनी ही पूरी चीनी में से चीनी निकाल कर डालता है तो स्पेसिफिक बन जाएगी वो पर्टिकुलर चीनी डाली, ठीक। और डालने के बाद उसने आपका वेट मेजर करा, वेट मेजर करने के बाद आपको प्राइस बताया ना, आपने कहा चीनी दो, उसने वेट भाई आपने कहा 1 किलो, तो 1 किलो का वेट मेजर करा तब आपको बताया प्राइस, भाई 1 किलो का इतना प्राइस है, 2 किलो का इतना प्राइस है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करा जा रहा है और सेलर कह रहा है कि भाई मुझे प्राइस को असर्टेन करने के लिए इसमें कुछ काम परफॉर्म करना पड़ेगा, तब जाकर मैं प्राइस बता पाऊंगा और तब जाकर मैं डिलीवर कर पाऊंगा। दोबारा समझते हैं, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और सेलर बाय सेलर कह रहा है कि भाई डिलीवरी करने से पहले मेरे को यहां पर कुछ अभी इसमें एक्ट करना है, कुछ काम करना है, जैसे टेस्ट करना है, कुछ ऐसी चीज जो टेस्ट करना चाहता है, मेजर करना है, वेट मेजर करना चाहता है, या कुछ ऐसी अदर एक्टिविटी एक्शन परफॉर्म करना चाहता है, और उसको डिलीवरी स्टेट में या प्राइस को असर्टेन करने के लिए, द गुड्स टू असर्टेन द प्राइस, प्राइस को असर्टेन करने के लिए और डिलीवरी स्टेट में बनाने के लिए, डिलीवरी के लिए रेडी करने के लिए और प्राइस को असर्टेन करने के लिए, उस केस के अंदर जब सेलर वो पर्टिकुलर काम कर लेगा और प्राइस असर्टेन करके बायर को बता देगा तब ऑनरशिप ट्रांसफर होगी। बिल्कुल मिलता जुलता नहीं मिलता, हम बिल्कुल मिलता जुलता है, पर डिफरेंस क्या है यहां पर, डिफरेंस यह है यहां पर प्राइस भी असर्टेन हो रहा, वहां प्राइस असर्टेन नहीं हो रहा था। सेक्शन 20 पे सिर्फ डिलीवरी के लिए रेडी करना था, यहां पर डिलीवरी के लिए रेडी तो करना है साथ में प्राइस भी, जब तक वो मेजर नहीं करेगा, वो परफॉर्म नहीं करेगा, तब तक प्राइस असर्टेन नहीं होगा, ठीक है सर। समझ में आता है नहीं आता, समझ में आता है। तो इस केस के अंदर दोस्तों आप एक दुकान पे गए और एक कट्टा लेकर आए, इतना बड़ा कट्टा है आपके पास, इतना बड़ा मान लो एक बॉक्स है, बॉक्स, आपने कहा इसमें चीनी भर दो भाई, आपने कहा इसमें ये भर दो भाई, पर्टिकुलर दाल भर दो या कोई चावल भर दो, ठीक है। आपने भाई एक बॉक्स लेकर आया, उसमें भाई चावल भरवा लिए और चावल भरवाने के बाद कह रहा भाई इसको नाप, अब वो बॉक्स तो दे दिया आपने, अब वो चावल डालता गया डालता गया डालता, जब तक वो मेजर नहीं करेगा आपको प्राइस बता देगा क्या, नहीं बता पाएगा, और चावल जब तक बॉक्स में चावल नहीं डालेगा आपको बता देगा, नहीं बता पाएगा। अब फिर समझे आप चावल जा रहे हो, आप एक बर्तन लेकर गए या फिर एक बॉक्स लेकर गए और बॉक्स वापस जमा करा दिया, कहा भाई इसमें भर दो चावल जितने आ रहे हैं, उसने लगाया उसमें वेट मेजर डाला, उसमें जहां पर वेट को मेजर कराया था वहां लग दिया, चावल डाले जा रहा है डाले जा रहा है डाले जा रहा है, क्या उसने आपको प्राइस बताया, नहीं। क्या वो डिलीवर कर सकता है, नहीं। मतलब वो आपको डिलीवर तब करेगा, प्राइस बताएगा जब वो उसमें चावल भरेगा, उसमें देखेगा कितना किलो है, वेट मेजर करेगा, फिर प्राइस असर्टेन करेगा, फिर आपको बताएगा, यही होगा नहीं होगा। यस, यही कंसेप्ट यहां पर अप्लाई हो रहा है सेक्शन 22 के अंदर। यहां पर डिलीवरी स्टेट के लिए रेडी तो करना ही करना है, पर डिलीवरी स्टेट से पहले सेलर को कुछ करना पड़ेगा जिससे प्राइस असर्टेन कर पाए, और जब वो प्राइस असर्टेन कर लेगा, डिलीवरी के लिए रेडी कर लेगा, उसके बाद बायर को बता देगा, इन्फॉर्म कर देगा, उसके बाद प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। देखने का लिखा है, इन सच केस द प्रॉपर्टी डज नॉट पास अंटिल द सेलर, अंटिल द सेलर डज नॉट, प्रॉपर्टी तब तक पास नहीं होगी जब तक, अंटिल मीन जब तक द सेलर डज नॉट एक्ट, वो काम ना करते एंड इन्फॉर्म द बायर, जब तक बायर को ना बताते। तो गुड्स की प्रॉपर्टी कब पास होगी, जब सेलर जो काम करना चाहता था वो कर देगा, डिलीवरी के लिए रेडी कर देगा और प्राइस बता देगा, तब गुड्स की प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जाएगी। क्या क्लियर है या नहीं है, क्लियर। एग्जाम्पल की मदद से और समझने की कोशिश करते हैं इसको, क्या है, मैं आपकी दुकान पर, आप मेरे पास आए और मैंने कहा, आपने कहा सर मुझे कारपेट चाहिए और कारपेट मुझे अपने घर में लगाना है, मैंने कहा सर कारपेट मिल जाएगा, हम दो काम करते हैं, एक तो कारपेट का बेचना और एक कारपेट लगा कर देते हैं। अच्छा, कारपेट अगर आप खरीदते हो तो एक कारपेट आपको मिल जाएगा 2500 रुपए का, और अगर हम लगा कर देंगे बढ़िया से अच्छी उसमें लगा कर देंगे, फिट करके देंगे, तो हम आपसे 3000 रुपए लेंगे, ठीक है। अब आपने कारपेट आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आपने कहा सर कारपेट भी खरीदूंगा और लगाकर भी आपको ही देना है, मैंने कहा ठीक है सर आपको 3000 रुपए देने पड़ेंगे, हम लगाकर जाएंगे आपके घर पे। मैं आपके घर पहुंचा कारपेट लेकर, आपके घर पहुंचा और मैंने कहा भाई ये कारपेट मैं रख दिया है, मैंने आपको कॉल करा, आप घर पे थे नहीं, मैंने कॉल करा, मैंने कहा ये कारपेट रख दिया है मैंने, कल आकर मैं इसको लगा दूंगा, कारपेट लगाने में टाइम लग गया, ऐसे बिछाना नहीं है, वो अलग तरह का कारपेट है समझ लो, ठीक, अलग तरीका कारपेट है वो समझ लो, चलो छोड़ो कारपेट, चलो बेड मान लो, बेड को फिट करके देगा बढ़िया से, असेंबल यहां से निकाल के खोल के ले जाएगा, वहां असेंबल कर लेगा, कुछ भी मान लो। तो अभी बात क्या हुई, बात ये हुई कि मैं आपके घर आया, मुझे वो परफॉर्म पूरा करना था, मुझे लगाकर जाना था कारपेट, पर मैं वहां पर रख कर चले गया, मुझे अर्जेंट काम आ गया, मैंने आपको कॉल कर दिया, मैंने कहा सर मैं कारपेट आपके घर पे रख तो दिया है पर इसको लगाने कल आऊंगा, ठीक है। आपने कहा कल आना, आपने कहा ठीक है सर कल आ जाना, कल आकर 3000 रुपए ले जाना। अब वो रात को ही चोरी हो गया,
आपके घर से, मैं कारपेट आपके घर पे रख, मैं दुकानदार, मैं कारपेट आपके घर पे रख कर आया और रात को ही वो चोरी हो गया आपके घर से। अब इस केस के अंदर क्या आप मुझे पैसे पे करोगे? क्या वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर मानी जाएगी? नहीं दोस्तों, प्रॉपर्टी ट्रांसफर क्यों नहीं मानी जाएगी? क्योंकि जो सेलर है उसने अभी अपना एक्ट परफॉर्म नहीं करा, भले इन्फॉर्म कर दिया था पर पूरा एक्ट कहां परफॉर्म करा है? जब पूरा एक्ट परफॉर्म करेगा फिर इन्फॉर्म करेगा तभी तो प्रॉपर्टी पास होगी। इसका मतलब अब इस केस के अंदर क्या होगा दोस्तों, अब इस केस के अंदर आप मुझे वो चोरी जो हुआ इसका मतलब अभी भी रिस्क मेरा किसका था? सेलर का था, बायर का नहीं था। क्यों? क्योंकि सेलर ने उस कारपेट को लगाकर नहीं दिया, और अगर कारपेट को लगाकर नहीं दिया तो वो डिलीवरी स्टेट में नहीं पहुंचा, मतलब वो रेडी टू डिलीवर नहीं है। एक तरीके से रेडी टू डिलीवर मतलब ये डिलीवर करना नहीं, लगा कर देना, मतलब प्रॉपर बिछाना, नहीं बिछाया। अब इस केस के अंदर वो जब तक उसने अपना पूरा काम नहीं करा, एक्ट को पूरा नहीं करा, तो वो प्राइस भी असर्टेन नहीं कर पाएगा, नहीं ले पाएगा 3,000 रुपए। ठीक है, अगर वो चोरी हो जाता है तो ये रिस्क सेलर का माना जाएगा, क्योंकि बायर पे ऑनरशिप ट्रस्ट ट्रांसफर होती है जब सेलर अपना एक्ट को, अपने काम को पूरा कर देता। क्लियर है नहीं है? और यही एग्जांपल मैंने यहां पर लिख दिया है। यहां पर मैंने मैं और आपकी जगह पर पीटर और जॉन को रख दिया। मैंने कहा पीटर ने सेल करा कारपेट जॉन को, ठीक है, मैं पीटर हूं और आप जॉन हो, समझ लेना, मैं पीटर हूं और आप जॉन हो, मैंने पीटर ने जॉन को कारपेट बेचा और एग्री करा टू ले मतलब बिछाना, ले इट इनटू द जॉन हाउस, और मैंने एग्री, हम दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ कि मैं पीटर आप जॉन के घर पर अब वो ले करके लेट करूंगा, मतलब बिछा कर जाऊंगा। एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ही डिलीवर द कारपेट, उसमें कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट से मैंने पीटर ने कारपेट डिलीवर कर दिया और इन्फॉर्म जॉन दैट ही विल ले इट इन द नेक्स्ट डे, और मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया, आप जॉन हो, मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया कि भाई मैं नेक्स्ट डे लगाकर चले जाऊंगा। दैट नाइट, उसी रात को द कारपेट गेट स्टोलन फ्रॉम द जॉन प्रिमाइसिस, प्रिमाइसिस मतलब जहां पर जॉन रह रहा है घर, वो प्रिमाइसिस हो गया। इन दिस केस जॉन इज नॉट लायबल फॉर द लॉसेस, जॉन किसी भी लॉस के लिए लायबल नहीं है, वो 3,000 रुपए नहीं भरेगा। क्यों? सिंस द प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप हैड नॉट पास्ड टू हिम अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द कारपेट वुड बी डिलीवर स्टेट आफ्टर ही इज लेट। डिलीवर स्टेट का मतलब ये नहीं कि डिलीवर करने के लिए रेडी हो गया, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, जो सेल कह रहा है भाई मैं लगाकर जाऊंगा, जब लगाकर जाएगा तभी वो डिलीवरी स्टेट में होगा। काफी अच्छे कहां पर अभी तक समझ रहे होंगे आपके डिलीवरी स्टेट का मतलब यह है कि हाँ डिलीवरी के लिए रेडी हो गया, नहीं जब तक हम उसको लगाकर नहीं जाएंगे, लगा दिया उसके बाद डिलीवरी स्टेट बोलते हैं। डिलीवरी मतलब ये नहीं डिलीवर हो गया भाई, देखो कारपेट है डिलीवर है और डिलीवर कर देंगे हो गया डिलीवरी, नहीं नहीं। टर्म एंड कंडीशन क्या है? टर्म एंड कंडीशन है कि लगा कर देगा, तो लगा देगा तब डिलीवरी स्टेट माना जाएगा, और जब नहीं लगाया तो हम उसको पूरा मानेंगे नहीं, और जब पूरा मानेंगे नहीं तो ऑनरशिप ट्रांसफर होगी नहीं। आया समझ में? आया सेक्शन 20, सेक्शन 21 और सेक्शन 22 रिलेटेड टू द स्पेसिफिक गुड्स। सेक्शन 20, 21, 22 स्पेसिफिक गुड्स से रिलेटेड करते हैं दोस्तों। आओ जरा स्टार्ट करते हैं अनअसर्टेन गुड्स, सेकंड पॉइंट। ठीक है, क्लियर है? तो ये चीजें मैं डिटेल में इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आपको सेम इंटरमीडिएट और फाउंडेशन लेवल सेल ऑफ गुड्स एट बिल्कुल कॉपी है। जिस स्टूडेंट ने फाउंडेशन में अच्छे से पढ़ा, जिस स्टूडेंट ने मेरे से ही पढ़ा फाउंडेशन, वो इंटर में उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी, कॉपी है, बिल्कुल कॉपी। और जिस स्टूडेंट ने फाउंडेशन में नहीं पढ़ा तो आप इंटर में पढ़िए, मतलब एक ही वीडियो फाउंडेशन में भी है, इंटर में भी है, साफ कह रहा हूं मैं। क्यों? रीजन बींग क्योंकि दोस्तों ये बिल्कुल कॉपी है, कॉपी, एक भी ऊपर नीचे पॉइंट नहीं है इंटर के अंदर, पूरा पूरा कॉपी कर दिया गया है। क्लियर या नहीं है? चलो, तो मतलब आपका एक चैप्टर अगर आप फाउंडेशन में हो तो आपका एक चैप्टर इंटर में नहीं पढ़ लिया, अगर आप इंटर में हो तो आपने फाउंडेशन पढ़ कर आए होंगे, अगर में से नहीं पढ़ा तो ये जरूर पढ़े, फिर इसमें कुछ डिफरेंट तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, जिसने पहले सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं पढ़ा ठीक से वो जरूर पढ़ेगा इसको। आओ दोस्तों, आओ मेरे दोस्तों, सेक्शन नंबर 23 पढ़ने जा रहे हैं अनअसर्टेन गुड्स के बारे में। कहता फर्दर सेक्शन 23 लिस्ट टू इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर पासिंग द प्रॉपर्टी ऑफ असर्टेन गुड्स, मतलब अगर गुड्स असर्टेन है, उसका कॉन्ट्रैक्ट कराया जा रहा है, अनअसर्टेन गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो अनअसर्टेन गुड्स के केस के अंदर प्रॉपर्टी को कब ट्रांसफर करा जाएगा, मतलब ऑनरशिप कब ट्रांसफर होगी। बट यहां पर दो इंपॉर्टेंट रूल है जिसके अंदर हमें एक ही इंपॉर्टेंट रूल पढ़ना है, एक नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना? बिल्कुल घटिया है, आपको उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बहुत छोटा सा है और बिल्कुल पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जितना मैं आपको बता रहा हूं आप उतना पढ़िए। डिलीवर तो कैरियर करके है, वो रूल है, उसको इतनी जरूरत नहीं है, वो थोड़ा कॉन्सेप्ट टिपिकल है थोड़ा।
आओ सर, टू इंपॉर्टेंट रूल तो है पर हम यहाँ पर वन ही पढ़ेंगे, और वन जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो ये वन वाला है, टू वाला इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। कहता है सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन। आपको पता है अनअसर्टेन गुड्स क्या होता है, हम सिलेक्ट नहीं करते, हम एक के बेसिस पर सबको जज करके डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर बस पढ़ते हैं, अच्छा ये है चलो पैक कर दो, ऐसी करते हैं। तो सेल ऑफ अनसर्टेन गुड बाय डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। कहता है इमेजिन करो एक कॉन्ट्रैक्ट है फॉर द अनसर्टेन गुड्स और फ्यूचर गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन। आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट करा और आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा करा कि भाई डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर आप गुड्स को ले रहे हो। इफ एनी गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन आर अप्रोप्रिएट टू द कॉन्ट्रैक्ट आइदर बाय द बायर और द सेलर विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टी, देन द प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स पास टू द बायर, द कंसेंट कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एंड गिवन बिफोर एंड आफ्टर द अप्रोप्रिएशन इज मेड। कुछ समझ नहीं आया, ठीक है कोई बात, एग्जाम्पल सुनो और एग्जाम्पल की मदद से आपको दोबारा पढ़ाऊंगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आओ दोस्तों चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ में, और एग्जाम्पल समझते ही ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। मतलब अगर आप देखो ना, इसके अंदर मेनली दो पॉइंट थे, तो दो में से जो एक पॉइंट है वो आपको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उसको बोलते हैं डिलीवरी ऑफ कैरियर। ठीक है, वो करने की जरूरत नहीं है, जो मेरी बात सुनो, जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको वो बहुत ज्यादा इनफ है, बिल्कुल घुस घुस के पढ़ा रहा हूं भाई डीपली जाकर, आप समझ देख ही रहे होंगे, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना पढ़िए। और अगर आपको लिखा होता अनसर्टेन गुड्स तो ये पहला पॉइंट लिखकर आने आ रहा है आपको, दूसरा पॉइंट जरूरत ही नहीं है। अब ये क्या कहता है सेल ऑफ अनसर्टेन गुड बाय डिस्क्रिप्शन। देखो एक बायर है, ये एग्जांपल उतारना है ठीक है आपको, और एक सेलर है। दोस्तों बायर ने सेलर से एक कॉन्ट्रैक्ट करा, और क्या कॉन्ट्रैक्ट करा कि 1000 packet of sugar वो लेगा, 1000 packet of sugar वो लेगा। अब जिस टाइम ये कॉन्ट्रैक्ट करा गया था उस टाइम ये उन्होंने डिस्क्रिप्शन के कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूं मैं, क्योंकि अनसर्टेन गुड्स है, क्योंकि इतने 1000 packet of sugar एक एक को चेक करना तो इम्पोसिबल है, एक को चेक करेंगे बाकी सबके बेसिस पर लेंगे, एक सुगर थोड़ा सा चेकेंगे कहेंगे अच्छा है ले लेंगे। तो बेस्ड ऑन डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर ले तभी तो अनअसर्टेन गुड्स बने। अब दोस्तों अब ये पैकेट ऑफ शुगर क्या हो जाएंगे, अनअसर्टेन, क्योंकि इनको आइडेंटिफाई नहीं करा गया, अनअसर्टेन गुड्स। अगर पूरी कहानी को ध्यान सुने तो क्या हो रहा है, जिस टाइम बायर ने कॉन्ट्रैक्ट करा सेलर ने उस टाइम उसके डिलीवरी कर दिया, उस टाइम उसको डिलीवरी कर दिया 400 packet of sugar डिलीवरी कर दिया, 400 packet of sugar डिलीवर्ड। एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के टाइम में उसने क्या कर दिया, उस टाइम डिलीवर कर दिया कि भाई ये इतने पैकेट है, इतने गुड्स हम डिलीवर कर रहे हैं, एंड रिमेनिंग 600 packet सब्सिक्वेंटली फिलिंग और रिमेनिंग 600 पैकेट वो क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं। अब सेलर ने 400 पैकेट तो डिलीवर हो चुके हैं, 600 पैकेट अभी डिलीवर होना बाकी है, फिल हो चुका है। आफ्टर ऑल 600 पैकेट फिल्ड, जब ये 600 पैकेट फिल हो गए थे, हो गए हैं, इसके बाद सेलर ने बायर को इन्फॉर्म कर दिया कि भाई आकर ले जाओ 600 पैकेट भी फिल हो चुके हैं। क्या बोला सेलर ने, सेलर ने बायर से कहा कि 600 पैकेट भी फिल हो गए हैं, मतलब चीनी भर दी उसमें, आकर ले जाओ, पूरा लिखना ये, आकर ले जाओ। बायर ने प्रॉमिस करा कि ले जाऊंगा, लेके नहीं गया, ले जाऊंगा ऐसा प्रॉमिस करा, बायर ने प्रॉमिस करा कि ले जाऊंगा, बायर ने प्रॉमिस करा कि ले जाऊंगा, और जब तक वो ले जाता तब तक गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए थे। अब मैं कहानी को एंड करने की जा रहे हैं, अब आगे सुनाएंगे। जब तक बायर ले जाता
उससे पहले गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि लॉस किसका, सेलर का या बायर का? क्वेश्चन क्या है, लॉस किसका होगा, सेलर या फिर बायर? तो बताओ, आप कहना सर सेलर का होगा, मैंने कहा नहीं सेलर का नहीं, बायर का माना जाएगा। देखो हमने उसको इन्फॉर्म कर दिया था भाई कि भाई 600 पैकेट शुगर के फिल हो गए थे, आप ले जाओ। तो बायर कह रहा है मैं प्रॉमिस करता हूं कि ले जाऊंगा। तो भाई लेके जाना, ले क्यों नहीं जा रहा? जब तक वो ले जाता तो उससे पहले गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, अब ले जा, अब पूरा पैसा भर। तो बायर इस लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट लॉस। पूरा लिख लेना, फॉर दैट लॉस, क्योंकि बिकॉज ऑनरशिप इज नॉट, ऑनरशिप इज ट्रांसफर एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था उस टाइम ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई थी। ऑनरशिप इज ट्रांसफर एट द टाइम, ऑनरशिप ट्रांसफर एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। भाई जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट बनाया था उस टाइम ही ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई थी, बस अब तो डिलीवरी करना बाकी था, और डिलीवरी स्टेट के लिए रेडी भी हो गया था। सेक्शन 21, 22, 23 तीनों अप्लाई हो रहे हैं, प्राइस भी असर्टेन हो गया, डिलीवरी के लिए रेडी भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब उसके बाद सैलरी की तरफ से एक्ट परफॉर्म हो चुका है, अब बायर को ले आना था, बायर लेके नहीं गया तो बस डिस्ट्रॉय हो गए। लॉस किसका, बायर का। तो सेक्शन 23 क्या कहता है, सेल ऑफ अनसर्टेन गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन। अब पढ़ना जरा, अब ऐसा समझ में आएगा आपको कि कैसा समझ में आएगा। अच्छा एक चीज पूछू आपसे, मैंने कहा ये 400 गुड्स क्या है, ये 400 यूनिट ऑफ गुड्स क्या है, ये 400 ये वाले 400 यूनिट क्या है, और ये 600 यूनिट क्या है? तो मैंने कहा ये 400 यूनिट हो गए एग्जिस्टिंग गुड्स, क्योंकि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थे, और ये 600 यूनिट क्या हो गए, फ्यूचर गुड्स, ये बन रहे थे। हरा समझ में? तो देखो ये लाइन लिखी है यहां पर, ऐसे थोड़ा समझा रहा हूं। इमेजिन करो अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अनसर्टेन गुड्स और फ्यूचर गुड्स, अनसर्टेन गुड्स देखिए एग्जिस्टिंग हो सकता है या फिर फ्यूचर गुड्स हो सकता है, बाय डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर लिया गया हो। इफ एनी गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन आर अप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट आइदर बाय द बायर और द सेलर, वो जो गुड्स है वो डिलीवरी होने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब वो अप्रोप्रिएटेड का मतलब क्या, यहां पर क्या है दोस्तों, जो डिस्क्रिप्शन जिस तरीके से डिस्क्रिप्शन बताया गया था उस तरीके से उसने रेडी कर दिए गए। उसने कहा था भाई पैकेट में पैक करके देना, एक एक किलो का पैकेट बनाकर देना, उसने एक एक किलो का पैकेट बनाकर दे दिया, अप्रोप्रिएट हो चुका था सेलर को, सेलर ने कर दिया, बायर की तरफ से भी अप्रोप्रिएट हो गया था और सेलर की तरफ से भी हो गया। बायर ने अपना डिस्क्रिप्शन बताया, सेलर ने बताया डिस्क्रिप्शन कि भाई इस तरीके से एक एक किलो के कितने पैकेट होंगे, 2 किलो वाले इतने होंगे, 5 किलो वाले इतने पैकेट रहेंगे शुगर के, और यह सब कुछ बता दिया विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टी। बायर ने बोला, अदर पार्टी मीन सेलर, बायर के लिए अदर पार्टी क्या हो गया सेलर, सेलर के लिए अदर पार्टी क्या हो गया बायर। देन द प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स पास टू द बायर द कंसेंट, जब बायर को यह बता दिया गया हो कि सेलर द्वारा बायर को बता दिया गया भाई एक एक किलो वाले 100 पैकेट होंगे, 2 किलो वाले 400 पैकेट होंगे और 5 किलो वाले 500 पैकेट होंगे, अगर ऐसे करके बता दिया बायर और बायर उससे एग्री भी हो गया, बायर की कंसेंट लेकर बता दिया गया, बायर ने ठीक है ओके कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और जिस टाइम बायर को बताया गया कॉन्ट्रैक्ट जिन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ उसी टाइम कॉन्ट्रैक्ट बना, कॉन्ट्रैक्ट बनते ही प्रॉपर्टी पास हो गई, प्रॉपर्टी ऑफ पास टू द बायर, द कंसेंट कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, और जो कंसेंट लिया वो एक्सप्रेस भी ले सकते हैं इम्प्लाइड। बायर कह दे मुंह से कि भाई हाँ ठीक है मैं लूंगा, या हंस के चलो यार ऐसे से करते ऐसे से करो। तो एंड गिवन बिफोर और आफ्टर द अप्रोप्रिएट इज मेड, एंड गिवन बिफोर और आफ्टर द अप्रोप्रिएटेड अप्रोप्रिएशन इज मेड, बिफोर और आफ्टर द अप्रोप्रिएशन इज मेड का मतलब क्या है दोस्तों, गुड्स बन गए हो या गुड्स अभी बनना बाकी हो, बायर की कंसेंट आ चुकी है, या तो पहले बन गई आ गई या उससे बाद आ गई हो, तो कंसेंट आनी चाहिए, कंसेंट आती ही इसके बाद हम कहेंगे बायर की प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। जिस टाइम कंसेंट आई बायर की उसी टाइम कॉन्ट्रैक्ट बना, कॉन्ट्रैक्ट बनती प्रॉपर्टी पास, और अगर बायर कहता है कि नहीं भाई ऐसा ऐसा करके मैं ले जाऊंगा वगैरह करके, तो भैया गुड्स का लॉस सारा उसी का होगा, और यही मैंने कहानी के तौर पर लिखवा दिया गया है यहां पर। ये पूरी लिख लेना आप, एग्जांपल पूरा उतार लेना जैसे उतारा है ऐसे ही उतार लेना एग्जांपल। तो एक बात समझ में आ गई कि अनसर्टेन गुड्स हो
और आपको इन्फॉर्म कर दिया बायर नहीं ले जा रहा, टाइम ले रहा है, किराया प्रॉमिस कर रहा हूं, तो भाई उससे पहले जल गए, कुछ हो गया, तो वो बायर का लॉस माना जाएगा, सेलर का नहीं माना जाएगा। क्या क्लियर है या नहीं है? क्लियर है सर। उस पर्टिकुलर पॉइंट को आपको लिखने की जरूरत नहीं है। देखो पेपर में नहीं आता, ये पेपर में नहीं आता, एमसीक्यू पूछ सकता है, ये पूरी लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है आपको पेपर के अंदर, क्योंकि आता ही नहीं पेपर के अंदर। भाई आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, किस टाइम पे कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी चाहिए। केस स्टडी लॉग टाइप बना देंगे, आपको बताना पड़ेगा भाई कब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी चाहिए, इस टाइम पे होनी चाहिए, इस टाइम पे, इस टाइम पे। हालत समझ में? तो केस लॉ के लिए आपको एग्जाम्पल इज इनफ, एग्जाम्पल कर ले तो बहुत बढ़िया, ठीक है। और ये आ रहा वही एग्जाम्पल है जो मैंने लिखवाया था ना, तबड़ा, हिंदी वगैरह सब जो एड वगैरह करके, वो तबड़ा एग्जाम्पल यही है, ठीक है। तो आओ एक कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बाकी बातें। सेक्शन 24, गुड्स ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस, क्या होता है इसका मतलब दोस्तों? इसको ना मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, क्योंकि फिर नेक्स्ट क्लास के लिए कुछ बचेगा नहीं। देखो सेक्शन 24 में डिस्कस कर लूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। सेक्शन 25 डिस्कस कर लूंगा, वैसे 25 याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इनफ उतना इंपॉर्टेंट है नहीं वो, 24 है, 26 पढ़ लेना, ठीक है। 26 डिस्कस कर लूंगा मैं आपसे, और 26 थोड़ा बड़ा है, और उसके बाद मैं आपको एक 11 डिस्कस करूंगा, सेल बाय पर्सन नॉट बाय द ओनर, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। ये तीन टॉपिक मुझे आपकी क्लास में डिस्कस करना है, क्योंकि अगली क्लास में फिर छुट्टी हो जाएगी, तो एक लिमिटेड क्लास रखते हैं, आज एक घंटा हो गया, अगली क्लास में एक घंटा, दोनों क्लास में एक को लिख समझ में। तो सेक्शन 24, 25 मेरे को अच्छा लगेगा तो मैं करा दूंगा, वैसे इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, 26 है, और 26 के बाद ये वाला कॉन्सेप्ट, इसके बाद नया चैप्टर चालू हो जाएगा, ये अगली क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। क्या क्लियरली समझ में आ रहा है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप? यस सर, बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा है। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में बढ़िया तरीके से सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।